हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं दरगाह बाईपास, जो काफ़ी खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी ख़तरनाक भी है। यहाँ के ख़तरनाक मोड़ भी काफ़ी खूबसूरत है। अभी आपको लेकर के चलेंगे और इन मोड़ों पे अभी ये जो पहाड़ के ऊपर हम चलेंगे, यहाँ पर आप देखना पूरा अजमेर का खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आपको, जो कि साथ ही साथ आना सागर झील भी काफ़ी खूबसूरत दिखेगी। दोस्तों, ये जो रास्ता है ये अजमेर शरीफ दरगाह के बिल्कुल पीछे जो ढाई दिन का झोपड़ा है वहाँ पर उतरता है, तो आपको आराम से भी दिखाएंगे पूरा नज़ारा। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा नज़ारा, जो कि अभी हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हो किस प्रकार का है। यहाँ से आपको जो पीछे से ढाई दिन का झोपड़ा है वहाँ पर पार्किंग है। दोस्तों, आपको वहाँ से जाने के लिए जैसे कि तारागढ़ और सरवाड़ शरीफ अगर आप जाना चाहते हो, तो वहाँ से ही आपको फोर व्हीलर मिलती है, बुक होती है और सवारी भी ले जाई जाती है। तो ये वही रास्ता है जो कि बिल्कुल अजमेर शरीफ दरगाह के पीछे जो ढाई दिन का झोपड़ा है वहाँ पे निकलता है ये पूरा रास्ता, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी चलते आगे और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये खतरनाक है। दोस्तों, ये वही दरगाह बाईपास है जहाँ पर पूरा एक बड़ा सारा पहाड़ गिरा था और एक मज़ार भी उसके नीचे दब चुकी थी। तो ये वही पूरा रास्ता है, देख सकते हो किस प्रकार से। और अभी देखना दोस्तों, ये दो पहाड़ों के बीच में से कैसे निकलेगा, काफ़ी ख़तरनाक सीन आएगा। ये मोड़ देख सकते हो आप, यहाँ पे होरन दे करके हमें, मतलब ये मोड़ाव है एकदम गोल आकृति में, यहाँ पे हमको होरन दे करके चलना है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है। और ये मतलब बरसात के टाइम में थोड़ी मुश्किल होती है, जैसे ये दो पहाड़ काट करके बनाए गए हैं आमने सामने, तो यहाँ से पत्थर चट्टान तो हमेशा गिरती है, हर बरसात में यहाँ पर गिरती है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे गिरते हैं। तो ये नज़ारा देख सकते हो। दोस्तों, अभी ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के वहाँ का सीन देखेंगे, काफ़ी बढ़िया हमें आना सागर और पूरा अजमेर दिखाई देगा। तो ये पूरा नज़ारा अभी देख सकते हो आप। और भी चलते हैं हम आगे और आगे का सीन देखते हैं किस प्रकार का। दोस्तों, पहले ये पहाड़ जो आपको दिख रही है एकदम सटीक पहाड़ थे, ये धीरे धीरे गिर करके अभी ऐसे होते जा रहे हैं, और हमेशा हर बरसात में यहाँ का रोड थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। बाकी खूबसूरत नज़ारा है, अभी आगे से आप देखना ऊपर की साइड से कितना खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। तो ये मोड़ ख़तरनाक होने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत भी है। अजमेर के तो रोज़ ही यहाँ पर आते हैं, और अजमेर वालों के भी कई के कमेंट आएंगे यहाँ पर, मेरे को बोलेंगे कि हम इस रोड से रोज़ निकलते हैं। लेकिन भाइयों, ये अजमेर नहीं, अजमेर के जो बाहर रहने वाले हैं उनको ये नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। अजमेर के तो यहाँ पे आते रहते हैं और पूरा सीन देखते हैं। अभी ये मोड़ देख सकते हो आप, यहाँ से अभी ऊपर का काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिखेगा, जो कि दरगाह हाईवे, दरगाह बाईपास के नाम से जाना जाता है। और अभी जो पहाड़ गिरा था वो सीन भी मैं आपको दिखाऊँगा आने वाला है। पहले आप यहाँ का नज़ारा देखिए किस प्रकार का यहाँ का सीन है पूरा। अभी हम पहाड़ के, मतलब ये काट करके बनाया गया रास्ता है, और चल रहे हैं आगे। कई पहाड़ पे आपको मशीनों के निशान भी दिखेंगे, पुराने टाइम में जब काटा गया था यहाँ पे पहाड़, घेती मशीनें। दोस्तों, ये पूरा सीन है, यहाँ से ये पूरा पहाड़ था एकदम सीधा, यहाँ पे अब पूरा समतल हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन पूरा पहाड़ था। ये जैसे कि मज़ार मुबारक वापस बन रही है। दोस्तों, मज़ार मुबारक की करामत इतनी थी, जब इतना बड़ा पहाड़ घिरा था, तो अगर ये मज़ार मुबारक नहीं होती तो नीचे की जितनी भी जनसंख्या है जो मकान में रहते हैं उनके ऊपर ये बड़ा सारा पहाड़ गिरता। करीबन 2500 लोगों की आबादी है यहाँ पे नीचे की ओर, तो ये पहाड़ पूरा नीचे जाता है। अभी मेरे ये उल्टे हाथ की तरफ पूरा नीचे, मतलब खाई नुमा बना रखा है, जहाँ पर पूरे मकान बने हुए हैं नीचे के साइड। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ से लोकेशन दिखाऊंगा, अभी यहाँ से नहीं, अभी और आगे से दिखाऊंगा, पूरा अजमेर दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो किस तरीके से अभी खड्डे नुमा लग रहा है, ऐसे में पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन मज़ार मुबारक दरगाह की करामत इतनी है यहाँ पे कि वो उतना बड़ा पहाड़ ऊपर ही रुक गया। हालाँकि नुकसान तो बहुत हुआ, ये रास्ता काफ़ी लंबे समय तक बंद था, धीरे धीरे जैसे ही जिस भी रोज़ रास्ता में जो भी आता था। ये देखिए आप अभी दिखाते दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमने हर बरसात के टाइम दिखा है, यहाँ पे जितने भी पहाड़ हमेशा हर बार गिरता है हर बरसात में, इसलिए ये काफ़ी बरसात के टाइम काफ़ी ख़तरनाक मोड़ हो जाते हैं। तो पूरा नज़ारा देखिए, और भी चलते हैं आगे। यहाँ पे एकदम सटीक पहाड़ थे, धीरे धीरे गिर गिर के अभी थोड़े समतल होते जा रहे हैं।
बस यहाँ पे बरसात के टाइम थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, थोड़ा पानी भी भर जाता है यहाँ पे जगह जगह। अभी यहाँ से आपको पूरा अजमेर का पूरा व्यू दिखाएंगे, अजमेर का पूरा सीन, आना सागर झील भी यहाँ से दिखेगी। अभी हम ऊंचाई पर हैं और इससे पहले मैंने अजमेर सहित तारागढ़ खतरनाक मोड़ का वीडियो अपलोड कर रखा, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला उसमें, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आते रहते हैं। ये देख सकते हो अजमेर का कितना बढ़िया सीन आ रहा है। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं तो यहाँ से पूरा अजमेर अभी मैं आपको रुक करके भी दिखाऊंगा, थोड़ा पास से आना सागर झील भी, आना सागर लेक आपको सामने दिखेगी, दरगाह बाईपास, ये पूरा सीन देखिए आप यहाँ से, ये पूरा अजमेर, ये अजमेर का सीन है पूरा। यहाँ से आप पूरा सीन देख सकते हो, सामने आना सागर झील और काफ़ी बढ़िया सीन आ रहा है यहाँ पे। ये पूरा आना सागर झील देखिए आप, मतलब यहाँ पे पूरी जो पहाड़ी है पूरा अजमेर बसा हुआ है। अभी चलते हैं आगे और आगे का सीन भी देखते हैं, आपको आगे से भी दिखाएंगे। जो अभी ढाई दिन का झोपड़ा आने वाला है, ढाई दिन के झोपड़े का भी ऊपर से सीन दिखाएंगे, किस प्रकार से हमें नज़र आएगा, कैसे दिखेगा ढाई दिन का झोपड़ा, और भी दिखाते हैं आपको पूरा नज़ारा। दोस्तों और कमेंट करके और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ और वीडियो कहाँ का चाहिए आपको। यहाँ से ऐसे देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आसमान और ज़मीन एक साथ आगे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हम काफ़ी ऊँचाई पर, और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो अजमेर का काफ़ी बढ़िया नज़ारा। ये घुमावदार मोड़ है, यहाँ पे भी सावधानी से चलना पड़ता है। ये पूरा नज़ारा देख सकते हो, यहाँ पे ये एंगल पड़ी हुई है, यहाँ पे पहले जो उर्स होता है तो यहाँ पे नाकाबंदी होती है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, यातायात पुलिस जो हमारी व्यवस्था बना करके रखती है। और यहाँ से अब हम दूसरी ओर आ चुके हैं और यहाँ पर अभी आपको ढाई दिन का झोपड़ा जो है पूरा नज़ारा दिखाएंगे, ऐसे ढाई दिन के झोपड़े का किस प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अभी साइड में गाड़ी रोकेंगे, पहले आप यहाँ का नज़ारा देखिए, काफ़ी बढ़िया सीन आ रहा है यहाँ का भी। ये पूरे मोड़ है, सामने आपको गौ से पार्क दरगाह भी नज़र आएगी और तारागढ़ पहाड़, यहाँ से ही ये जैसे कि अभी बेन जा रही है, ये सब तारागढ़ दरगाह, मीरा साहब की जो दरगाह है और साथ ही साथ सरवाड़ शरीफ जाते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ से जो फोर व्हीलर जाती है वो आपको यहाँ से लेकर भी जाएगी और साथ ही साथ लेकर भी आएगी, आपको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि अगर यहाँ से आप चल गए तो आने की प्रॉब्लम है, लाना ले जाना दोनों यहाँ पे ही रहता है। अभी यहाँ से आपको ढाई दिन का झोपड़ा दिखाते हैं, यह पूरा नज़ारा, साइड में रोकते हैं गाड़ी, बाइक को साइड में खड़ी करते हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है। यहाँ का नज़ारा देखिए आप, यह है ढाई दिन का झोपड़ा, ये ऊपर से आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हो। ढाई दिन का झोपड़ा तरुण ब्लॉगर अजमेर सर्च कर लेना, ढाई दिन का झोपड़ा लिख करके आपके सामने कई वीडियो आ जाएंगे मेरे, जो मैं साल भर से यहाँ के अपलोड कर रहा हूँ, तीन चार वीडियो कर दिए मैंने यहाँ के, तो ये ऊपर से आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ऊपर काफ़ी काफ़ी बढ़िया सीन है। पूरा नज़ारा देखिए आप ढाई दिन के झोपड़े का, और यहाँ पे ऊपर दरगाह शरीफ गौसे पाक दरगाह अजमेर शरीफ में, यहाँ से ही तारागढ़ का कच्चा रास्ता जाता है, एक रास्ता यहाँ से ही है और एक रास्ता मीठे नीम दरगाह के यहाँ से। तो दोस्तों अभी अजमेर से पूरा ओपन है, सिर्फ यहाँ पे अभी नाइट कर्फ्यू चल रहा है, नाइट का जो कर्फ्यू है वो रात को 7 बजे लगता है और सुबह 6 बजे ओपन होता है। तो ये पूरा नज़ारा देखिए यहाँ से, अभी हम आए थे और अभी चलते हैं आगे और आगे का सीन भी आपको दिखाते हैं किस प्रकार का नज़ारा हमें आगे देखने को मिलता है। पूरा सीन देखिए आप, ये रोके गाड़ियाँ रखी इधर, पूरा नीचे से आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये वीडियो मेरे को
हमारे ही एक छोटे से व्यूअर है नदीम भाई, उन्होंने बनाने के लिए बोला, उन्होंने की रिक्वेस्ट में ये वीडियो बनाया नदीम भाई के। चलते अब आगे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर देना। कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना आप मतलब कहाँ से किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, और साथ ही साथ जो आपको स्क्रीन में मोबाइल नंबर दिख रही है मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। पूरा नज़ारा अभी हम नीचे आपको पार्किंग का भी थोड़ा बहुत सीन दिखा देते हैं। यहाँ पर कई सारी पार्किंग है, जैसे कि आप यहाँ पर पार्किंग देख सकते हो आप किस प्रकार का यहाँ का नज़ारा। ये पार्किंग है, यहाँ से ही आपको सरवार से तारागढ़ जाने के लिए कई सारी फोर व्हीलर मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।